ये जो पीछे का हिस्सा है जो कि इसके जड़ है, ये हमें नहीं चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और काफ़ी सारा गंदगी है। तो सबसे पहले करेंगे कि इस तरह से इकट्ठा इसे करेंगे और बराबर इसे इस तरह से हम काट देंगे। यहाँ पे मेथी को मैंने ऑलरेडी 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो के ले लिया है। नॉर्मली पराठा थेपला बनाने के लिए सिर्फ मेथी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने इसे डंठल के साथ लिया है क्योंकि डंठल में भी काफ़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू होते हैं, तो मैं इसे वेस्ट नहीं करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मेरे पास आधा कप बारीक कटी हुई मेथी की सब्जी है। तो चलिए अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स है। आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो तीखापन आप थोड़ा कम रखें। साथ ही में 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा, बट अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें। 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा, नमक स्वादानुसार, नमक थोड़ा हम कम ही डालेंगे, नॉर्मली जो हरी साग होती है उसमें नमक कम ही डाला जाता है। यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम साइज का प्याज था जिसे मैंने इस तरह से बारीक काट के लिया है, इससे काफ़ी क्रंचीनेस मिलेगा। और इसे ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, एक मीडियम साइज का गाजर था जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है, बट हम इसमें पूरा बेसन एक साथ ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जितना हमें ज़रूरत लगेगी उतना ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं इसमें 1/2 कप ऐड कर देती हूँ और इसे हम हाथों से अच्छे से मिला देंगे। मेथी खाने में थोड़ी सी कड़वी होती है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते, बट हम इसे इतना फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाएंगे कि जिससे बच्चे 1 के बदले 2 खा जाएंगे। ये देखिए सारी चीज़ों में बेसन अच्छे से कोट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि 1 कप मैंने बेसन लिया था उसमें से 1/2 कप बेसन मैंने छोड़ दिया है, यानी कि 3/4 कप बेसन मुझे यहाँ पे लगा है। तो ये अभी काफ़ी ड्राई मिक्सचर है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। हमें इसकी एक पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है। तो ये देखिए अभी मैं इसे हाथों से मिला रही हूँ जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। मैंने इसमें टोटल 1/2 कप पानी डाला है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये अभी भी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो इसमें हम और थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा और सेमी लिक्विडी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिससे कि ये पैन में आसानी से फैल जाए। टोटल यहाँ पे मुझे 1/2 कप पानी लगा है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने पैन चढ़ाया है, आप चाहो तो इसे तवे में भी बना सकते हैं। इसे हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना है, आंच को मैंने धीमा रखा है। अब हम बैटर को इसमें डाल देते हैं। जितना बड़ा चीला आपको बनाना है उतना आप बैटर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के चीले बना रही हूँ जो कि इतने बैटर में 4 से 5 आराम से बन जाते हैं। ध्यान रहे कि पैन को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म ही रखना है और इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, जितना हो सके उतना हम इसे पतला रखेंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और लो टू मीडियम के बीच आंच को रखेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। इस तरह ढककर पकाने से हमारा जो चीला है वो नीचे से भी अच्छे से पक जाएगा, साथ ही में वो ऊपर से भी कुक हो जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके किनारे ड्राई होने लगे हैं, तो ऊपर से भी कुछ तेल की बूंदे हम डालेंगे और अब हम इसे पलट देते हैं। देखिए कितने अच्छे से पक चुका है, एक अच्छी सी इसमें जाली बन गई है। अब बिना ढके इसे हम 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। इसे फिर से पलट देते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, जब आप इसे खाओगे तो बिल्कुल भी आपको मेथी का कड़वापन महसूस नहीं होगा। ये देखिए ये अब पूरी तरह से अच्छे से पक चुका है। देखिए अब इसकी जो सतह है हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो चले अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के चिले भी बना लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही टेम्पटिंग चिला बना हुआ है। इसे आप हरी चटनी के साथ, दही के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है
तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।